start the exercise 2.5. Solve the following linear equation. Linear equation को solve करना है. Question number 71. N upon 2 minus 3 n upon 4 plus 5 n upon 6 is equal to 21. Now solve it. N upon 2 minus 3 n upon 4 plus 5 n upon 6 is equal to 25. सबसे पहले आप जिन्हें ये डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम अपन फाइंड आउट करना है. एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 246 246 का एलसीएम करना है. एलसीएम करना मेथड है. सबसे पहले 246 सब तो यदि से देख रहे हैं सब तो लोअर डिजिट के रहा है किन्हें ना डिवाइड हो रहा है. 2 ना डिवाइड हो रहा है. 2 1 का 2 2 2 का 4 2 3 का 6 नाउ नेक्स्ट डिजिट 2 1 एचपी आ गया. 2 2 ना डिवाइड करेंगे 1 2 3 डिवाइड नहीं होता जरा डिवाइड नहीं हो तो एचपी ही लिखते जाएंगे. और इसके बाद 3 ना 1 एचपी 1 एचपी फिर 3 1 का 3 इट मींस आपके पास एचपी आ गया. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इट मींस 12. तो सब तो एलसीएम में 12 आ गया. हम फर्स्ट बात करते हैं यदि अपन 2 को 6 नाल मल्टीप्लाई करिए तो फिर 12 बनता है. 4 6 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 6n ਆ ਗਿਆ. 4 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੇ 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ 12 ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ 3 ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 9 ਆ ਗਿਆ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਦਰ ਵਰਡ 6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ 12 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ n 10n ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 21. 12 ਓਨ ਐਸਟੀ 6 6n ते 10n तो मैं ऐड करते थे 16n हो गया माइनस 9n एलसीएम इक्वल टू 21. 16n में जो माइनस 9n करिए तो 7n आया था. जेड़ा डिनोमिनेटर से 12 से दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो गया 21 को 12 से मल्टीप्लाई कर साइन पाके लिख दिया अपन. जेड़ा इधर n के नाल 7 आया सी वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई होएगा. जेड़ा एस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड होएगा. इन कैंसिल किया 7 21 3 आ गया. 3 को 12 में मल्टीप्लाई करता तो साइड पे आ गया 36. ऐसा तरीका से बन गया एन की वैल्यू 36 है.